डॉक्टर्स का स्टेथोस्कोप कैसे इन्वेंट हुआ, इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, आइए जानते हैं। 1860 में डॉक्टर रेनल एनिक नाम के एक डॉक्टर थे। उनके पास एक फीमेल पेशेंट हार्ट डिजीज को कंसर्न करने आई थी। उस वक्त सारे डॉक्टर्स अपने पेशेंट को चेस्ट पर हाथ लगाकर या कान लगाकर हार्ट बीट को मॉनिटर करते थे, लेकिन डॉक्टर रेने एक जेंटलमैन थे, उन्हें उस वक्त डायरेक्टली हाथ या कान लगाना काफी इम्प्रोप्रिएट लगा था। तभी डॉक्टर रेने को याद आया कि पाइप के एक साइड कान लगाकर दूसरे साइड से आवाज सुनी जा सकती है, तो उन्होंने एक पेपर को रोल किया और उस पेपर की मदद से उस फीमेल की हार्ट बीट को मोनिटाइज किया, जिससे उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और हार्ट बीट की आवाज भी एम्पलीफाई हो गई। डॉक्टर रेने ने इसी डिवाइस का वुडन वर्जन बनाया और स्टेथोस्कोप का पहला वर्जन इन्वेंट किया था, और आहिस्ता आहिस्ता बाकी डॉक्टर्स ने सिंगल वुडन फनल से बाइनेरो स्टेथोस्कोप डेवलप किया, जिसका ग्लोबल मार्केट आज 4,800 करोड़ रुपए है।